राम राम जी। अभी हम सांची पहुंच चुके हैं, मोनूमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट। 35 रुपये की ऑनलाइन टिकट है, ये मेन ऑफिस था जहाँ से, या फिर ऑनलाइन टिकट करवा सकते हो। उसके साइड में क्लॉक रूम था जहाँ पर आप बैग अलाउड नहीं है, तो बैग वहीं पे रख दिया है। उसके बाद जो गोप्रो में ट्राईपोड था, ट्राईपोड अलाउड नहीं है, ट्राईपोड वहीं पे रखवा लिया है। तो चलो घूमते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची। आप जो स्तूप देखने आए, एक्चुअली स्तूप का मतलब होता है समाधि। गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल लुम्बिनी में हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया हुई, पहला ज्ञान का उपदेश सारनाथ में दिया और कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है। तो बुद्ध ने अपना ऑल लाइफ यूपी बिहार नेपाल के अलावा वो अदर किसी भी राज्य नहीं गए। उन 84,000 में एक स्तूप उन्होंने यहाँ सांची में बनाया गया। अशोका सांची को एक ऐसा जगह बनाना चाहता था, बौद्धिज्म का शिक्षा और प्रचार का केंद्र, लेकिन पर्टिकुलर उसने सांची को ही क्यों च्वाइस किया, इसके भी 3-4 कारण हैं। पहला कारण है, अगर आप लोग भोपाल रूट से आए तो रास्ता में आपने देखा होगा एक जगह लिखा हुआ कर्क रेखा या लाइन ऑफ कैंसर। ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें हमारा सेंटर शो करता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में आता है और मध्य प्रदेश के सेंटर में लगभग सांची आता है। कि अशोका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर उन बौद्ध भिक्षुओं को किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये पहाड़ी के उनको शांति प्रिय जगह लगी। दूसरी बात, उनको खाने पीने के लिए इसके चारों साइड चार बस्तियां बसी हुई थी जहां पर आसानी से भिक्षा वगैरह मिल जाती थी, और पीने के लिए इसके आजू बाजू तालाब बने हुए थे, पास में बैतवा नदी है। देखिए हाथी दिखाई दे रहा है, हाथी के बाजू में हम लोग देखेंगे ये डब्लू के आकार में या त्रिशूल के आकार में दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर। जैसे सर आपने देखा हिंदू रीजन में स्वास्तिक ओम हो गया, क्रिश्चियन लोगों में क्रॉस हो गया, इस्लाम में आधा चंद्रमा 786, इसी तरह से बौद्धिज्म में इसको सब मानते हैं। इसको बोलते हैं त्रिरत्न सिंबल, इसका मतलब होता है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम और संगम, एक शुभ चिन्ह माना गया। वो लोग कोई भी ऐसा कार्य करते थे इसका मोनो यूज़ करते थे ना जी उस समय। इसके बाद फर्स्ट वाले पैनल में हम लोग देखेंगे 5 स्तूप और 2 पेड़, टोटल काउंट करेंगे 7 हो जाएंगे। बुद्ध से पहले भी 6 मानुषी बुद्ध और हुए, ये 7वें बुद्ध हुए, उनको दिखाया गया। इसके बाद आप मिडिल वाले पैनल में देखिएगा, गौर से 4 घोड़े इस साइड जाते दिखाई दे रहे हैं, और चारों के घोड़ों के ऊपर देखेंगे आप छत्र लगा हुआ है बीच वाले पैनल में, और लास्ट वाले घोड़े के मुंह के पास देखेंगे 2 पैर बने हुए, उन पैरों में चक्र बना हुआ है, उन पैरों को एक आदमी झुक के प्रणाम कर रहा है। उसी के नीचे हम देखेंगे एक घोड़ा वापस आ रहा, वापस आने वाले घोड़े के ऊपर छत्र नहीं है, जबकि जाने वाले घोड़ों के ऊपर छत्र लगा हुआ है। तो क्या रहता, अर्धरात्रि में सिद्धार्थ कुमार अपने बीबी बच्चे महल वगैरह सब कुछ छोड़ के जिस समय जंगल जाते हैं उस समय का सीन है। तो जब तक ये घोड़े के ऊपर है तब तक उसके ऊपर छत्र लगा दिया, और जैसे ही उतर के जाने लगे वो फुटप्रिंट दिखा दिया, जो झुक के प्रणाम कर रहा है ये उनको रथ का चलाने वाला है, इसका नाम है छंदक और इनके घोड़े का नाम है कंठक। अभी जो घोड़ा वापस आ रहा है इसके ऊपर देखेंगे छत्र नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई सवार नहीं, सारथी छंदक और घोड़ा कंठक दोनों महल आ जाते हैं और बुद्ध जंगल चले जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ कुमार रहता है ना जी। अभी थर्ड वाले हम देखेंगे बीच में एक मंदिर बना हुआ, उस मंदिर के बाजू में हम देखेंगे एक हाथी बैठा हुआ, जिससे एक लेडीज एक जेंट्स एक बच्चे को उतरते दिखाए, पीछे कुछ सैनिक लोग, ये सम्राट अशोक, देवी विदिशा, लड़का महेंद्र, तीनों इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। जबकि मंदिर की हम दूसरी तरफ देखेंगे तो कुछ गाँव के लोगों को दिखाया जो अपने राजा के आगमन पर स्वागत के लिए खड़े, देखेंगे तरह तरह के उपहार बैंड वगैरह हाथों में। और ये जो एक महिला लटकी हुई आम के पेड़ से आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आम्रपाली। देखिएगा सामने से देखने से ऐसा लगता है कि ये वस्त्र नहीं पहने, जबकि आइए इसको हम पीछे से दिखाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पीछे से, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग काफ़ी एडवांस में हो गए, हमारे यहाँ कई महिलाएं हेयर कटिंग करती हैं, बोलती हैं हम लोग मॉडर्न हो गए, नए युग में आ गए, लेकिन नहीं, ये प्रथा 2100 साल पुरानी। देखिएगा इसके बाल भी कटे हुए। दूसरी बात, जो मैंने कहा कि आपने फ्रंट से देखा ऐसा लगा ये कपड़े नहीं पहन रही, पर पीछे से हम देखेंगे, देखिएगा उस समय भी ये लोग हाथ से एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा बनाते थे जो टोटल ट्रांसपेरेंट होता था। तो देखेंगे जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लेडी साड़ी पहनती, इस तरह की साड़ी पहने दिखाई दे रही है, और फ्रंट से देखा तो ऐसा लगा कि ये कपड़े नहीं पहने, पर पहने। तो आज देखिए हमारे पास फैक्ट्री और मिल से हम लोग किसी भी तरह का कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें नहीं होने के बाद भी वो लोग एक हाथ से बनाते, जो बताते हैं कि रिंग के अंदर से पूरी साड़ी निकल जाती थी, ये वो साड़ी पहने हुए है ना जी। ये जो हम एक महिला को लेटी हुई देख रहे हैं सर, ये ऊपर एक महिला लेटी हुई, उसके पैरों के पास देखेंगे एक हाथी का हेड दिखाई दे रहा। एक्चुअली ये गौतम बुद्ध की मदर है महामाया। क्या रहता है, जिस समय इनकी मदर प्रेग्नेंट होती हैं महामाया,
उस समय क्या होता है, एक दिन सोती रहती हैं और एक स्वप्न देखती हैं। स्वप्न में क्या देखती हैं, एक सफ़ेद हाथी ऊपर से आता है और आने के बाद इनके शरीर में प्रवेश हो जाता है। ये स्वप्न वाली स्टोरी सुबह अपने पति राजा सिद्धोधन को बताती हैं। राजा सिद्धोधन अपने धर्म गुरु वगैरह को बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि आपके यहाँ कोई महान आत्मा जन्म लेगी, या तो काफ़ी बड़ा राजा होगा या काफ़ी बड़ा सन्यासी होगा। तो नीचे हम विंडो में देखेंगे, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये जो दिखाया गया, ये कपिलवस्तु फोर्ट दिखाया गया। उन लोगों में एक नियम था, एक प्रथा थी कि जो फर्स्ट डिलीवरी होती थी वो मायके में हुआ करती थी। महामाया अपने मायके जाती दिखाई दे रही, लेकिन ये उधर तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही नेपाल लुम्बिनी पार्क में पहुंचती, उधर बुद्ध का जन्म हो जाता है। तो बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ है ना जी, जिसे हमारे यहाँ गोल्डन पीरियड कहा गया है। तो उस समय ये चारों गेटों पे चार मूर्तियाँ रखी गई। ये जो तोड़ फोड़ वगैरह देख रहे हैं, ये शायद मुगल्स पीरियड में हुई है। गौतम बुद्ध को पद्मासन पे बैठा दिखाया गया है ना। ये मूर्ति और स्तूप में, इनमें 800 साल का अंतर है, क्योंकि स्तूप 800 साल पहले बने थे, मूर्ति 800 साल बाद लगाई गई। पत्थर देख रहे हैं, इसका एक पार्ट ये रखा हुआ, दो पार्ट वो लगे नीचे रखे हुए सेट के नीचे। ये कंप्लीट तीनों पार्ट एक सिंगल स्टोन था। इसका हाइट जो है सर 42 फीट था और इसी के टॉप पे इस तरह के फोर लाइन रखे हुए थे। इसी को अशोका स्तंभ कहते हैं। अशोका ने ये कई जगह बनाया, सांची, सारनाथ, दिल्ली, कौसाम्बी वगैरह, पर एक्चुअली जो हमारे नोटों पे लिया गया वो सारनाथ से लिया। तो ये पत्थर सर यहाँ का नहीं, इसको यूपी से लेके आया गया, चुनारगढ़ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, ये जो लगभग यहाँ से बताते हैं 450 किलोमीटर दूर है। तो सोचिएगा सर, इतना लंबा पत्थर, इतना मोटा पत्थर, उस समय ट्रेन क्रेन कुछ भी नहीं होती थी, एक सिंगल पत्थर को वहाँ से यहाँ तक कैसे लेके आया होगा। तो इसके विषय में सर ऐसा बताया जाता है, यहाँ पास में बेतवा नदी है, ये नदी के रास्ते यहाँ तक ले आया और 1.5 किलोमीटर हाथियों से खिंचवा के उसको खड़ा किया था। तो इसके विषय में सर ऐसा बताते हैं, इसको मुगल्स वगैरह या अदर लोगों ने नहीं तोड़ा, यहाँ का एक लोकल जमींदार ने तोड़वाया। क्यों तोड़वाया? क्योंकि सर उस समय हमारे यहाँ फैक्ट्री या मिल्स नहीं होते थे। हम लोग सोयाबीन, सरसों या मूंगफली का तेल खाते हैं, पूर्व में ये कैसे निकाला जाता था, इसके विषय में ऐसा बताते हैं सर, कोलू से निकाला जाता था। तो वो लोकल जमींदार पढ़ा लिखा नहीं था, उसने सोचा ये पत्थर अच्छा है, इसका मैं कोलू बनाऊंगा। जैसे इसको तोड़वाया, गेट पे गिर गया और ये पूरा गेट नीचे गिर गया, लेकिन इसमें वेट ज़्यादा होने की वजह से वो यहाँ से नहीं ले जा पाया। तब मार्शल जी ने प्लेटफॉर्म बना के उसके दो पार्ट वो रखवा दिए और इसके जो चार शेर हैं नीचे म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर सबसे ऊपर वाले पैनल में, इस गेट में आ जाएंगे, एक लेडी खड़ी हुई, उसके दोनों साइड दो हाथी खड़े हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है कि ये गज्यलक्ष्मी है, पर एक्चुअली ये गज्यलक्ष्मी नहीं, बुद्ध की मदर है महामाया। ऐसा बताते हैं जिस समय ये प्रेग्नेंट होती हैं उस समय इनको हाथी की सूंड के अंदर दूध डालने के से इनको स्नान कराते हैं। तो उन लोगों का ऐसा मानना था, ऐसा करने से होने वाला बच्चा सुंदर और बुद्धिमान होगा। तो ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक दिखाया गया। इसके बाद मिडिल वाले पैनल में हम लोग देखेंगे, ये उन 8 स्तूपों में से एक स्तूप है जो सम्राट अशोक ने पूर्व में 7 खोल लेते हैं। जब ये 8वां स्तूप खोलने जाते हैं, ये नेपाल में है रामग्राम करके एक साइड है, तो अशोका इसको खोलने जाते हैं, क्योंकि 7 को खोल के उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए। जब ये 8वां स्तूप खोलने जाते हैं तो यहाँ पे नागा जाति के लोग रहते हैं, वो सारे लोग अशोका को मना करते हैं, कहते हैं स्तूप को हम नहीं खोलने देंगे और अगर आपको खोलना है तो पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन कलिंगा वार के बाद अशोका ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया, तब इसको नहीं खोलता, इसकी पूजा करता और अपनी सेना को वापस ले जाता है। तो देखेंगे मिडिल वाले में रथ के ऊपर अशोका को आते दिखाई दे रहा है, उसके पीछे देखेंगे हाथियों के ऊपर कुछ सैनिक लोग दिखाई दे रहे हैं। अब इस साइड देखेंगे नागा जाति के लोगों को कैसे पहचानेंगे, इनके सबके ऊपर ऐसे नाग के फन लगा दिए ताकि ये नागा जाति के लोग हैं। अभी हम लोग थर्ड वाला पैनल देखेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया आंध्रा के शासक ने बनवाया, राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो है, जब उन लोगों का कोई खास फेस्टिवल होता है तब वो लोग एक खास तरह का वाद्य यंत्र बजाते हैं, उस वाद्य यंत्र का नाम है नादेश्वरम। तो देखेंगे एक आदमी इस साइड से बजा रहा, दूसरा आदमी इस साइड से बजा रहा, बाकी सारे लोग फूल मालाएं लिए हैं, ये लोग वेलकम कर रहे हैं। और ये जो प्लेन पत्थर हम लोग देख रहे हैं जिसमें कोई कार्विंग नहीं है, ये सारा पत्थर नकली लगाया हुआ, क्योंकि ये गेट पूरा नीचे गिरा हुआ था, तो मार्शल जी को ये वाला भाग नहीं मिला, तब उन्होंने नकली लगा के इस गेट को खड़ा किया। दा ना में नहीं, ये दा ना और ये मात्रा लगी आम। अच्छा, दानम दानम दानम, ये लास्ट में देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे इस तरह से कई जगह। यहाँ आ जाइए, ये दिखा देता हूँ, जैसे ये दानम, ये लिखा है दानम, वो दानम लिखा, ये लास्ट में, मतलब पहले उस आदमी का नाम, लास्ट में सभी में लिखा है दानम दानम। पीछे हम देखेंगे सर, एक झाड़ियों के पीछे एक गोल्ड टूटा हुआ पत्थर दिखाई दे रहा। हाँ जी,
ये बाउल है, ये भिक्षा पात्र है, ये सारे बहुत भिक्षु भिक्षुणी लोग क्या करते थे, गांव में जाते थे वहां से भिक्षा मांग के लेके आते थे। भिक्षा में जिसको जो मिलता था लाके इसमें डाल दिया, इसके बाद इसको मिक्स किया। ऐसा नहीं किसी को सूखा रोटी किसी को स्वीट मिले, जो भी मिलता था पहले अपने गुरु को खिलाना, इसके बाद वो लोग खाया करते थे। इसमें बरसात का पानी कलेक्ट किया और अपना दिनचर्या में यूज़ करते थे वो लोग। और ये है सर स्तूप नंबर 3। इसकी अस्थियाँ अभी उस मंदिर में रखी हुई जो मैंने बताया था, वो सामने गेट पे लेके ये अस्थियाँ निकाल के अभी उस मंदिर में रखी हुई जो बाद में नेहरू जी लेके आए थे उनको लंदन। टोटल काउंट करेंगे 7 हो जाएंगे। मिडिल वाले पैनल में देखेंगे ये जो व्हील दिखाई दे रहा है, ये गौतम बुद्ध है अपना पहला ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कहाँ पर दिया था उन्होंने? सारनाथ में, जो हिरणों ने भी सुना था, इसीलिए इसको बोलते हैं डियर पार्क सारनाथ। और यहाँ पे थर्ड वाले में देखेंगे एक उनका जातक कथा, इसका नाम है छदंत जातक कथा, 6 दांतों वाले हाथी की कहानी। ये जो 4 मोटे मोटे आदमी देख रहे हैं, इन्हीं की वजह से इसको जो है 200 का नोट मिल गया। एक्चुअली ये मोटे मोटे आदमी जो है देखेंगे इनका हेल्थ हाइट लगभग सेम है, गेट का वेट सेम रखा हुआ है, लेकिन चारों के हम फेस देखेंगे तो 4 मुद्राओं में, इसमें एक आदमी रो रहा है, एक आदमी हंस रहा है, एक आदमी सामान्य है और एक आदमी काफ़ी नाराज है। तो इनको तो यहाँ गेट का वेट उठाते दिखाया गया, लेकिन लोगों का ये मानना है कि हम सब के ऊपर ये जीवन रूपी वेट सेम रखा हुआ है, ये तो आपको उठाना पड़ेगा, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी, चाहे रो के जिए, चाहे हंस के, चाहे नाराज हो के या सामान्य तौर पे, तो वो दिखाया गया। दूसरी बात, इसमें से जो हंसता हुआ है इसको चाइना वाले चाइना ले जाते हैं और वहाँ पर लाफिंग बुद्धा बना के आज हम लोगों को ही बेच रहे हैं, है ना।